नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एबी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम धन त्रयोदशी पर। सबसे पहले हम अपने सभी दर्शकों को धन त्रयोदशी माँ लक्ष्मी जी के जन्मदिवस के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ अपने और अपने ज्योतिष सेवा संस्थान की ओर से, और बधाई देता हूँ पूरे एबी न्यूज़ परिवार को कि आप सभी की मनोकामनाएं मां लक्ष्मी शीघ्र पूर्ण करें। 2 नवंबर मंगलवार भौम प्रदोष और आज धनत्रयोदशी का पर्व मनाया जाएगा। ये पर्व हर वर्ष कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन से 5 दिवसीय दीपावली त्यौहार की शुरुआत हो जाती है और त्रयोदशी तिथि के दिन ही भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस पर्व को धन त्रयोदशी कहा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ, औषधियों से भरा हुआ एक स्वर्ण कलश था। इस वजह से आज के इस पावन दिन पर बर्तन खरीदने की परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग महिलाएं जवाने से पीतल के बर्तन, कसकुट के बर्तन, तांबे के बर्तन, फूल के बर्तन, इनकी खरीदारी करती आ रही हैं। सोने चांदी के बर्तनों की खरीदारी करती आ रही हैं। इस बार धनतेरस पर खास बात यह है कि इस दिन धन का योग बन रहा है। इस योग के बनने से धनतेरस पर किया गया धन का निवेश, धनतेरस पर की गई खरीदारी आने वाले समय में आपको बहुत सारा फायदा दे सकती है, बहुत काफी फायदेमंद साबित होगी। धनतेरस पर धन योग बनने से बहुत सारे लोगों को फायदा मिल सकता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस योग का निर्माण कैसे हो रहा है और आपके फायदे वाली बात जान लेते हैं, आपके काम वाली बात जान लेते हैं कि निर्माण कैसे हो रहा है और आपको फायदा कैसे हो रहा है। इस बार धन त्रयोदशी पर त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग बन रहा है। धन त्रयोदशी के दिन त्रिपुष्कर योग, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि इस त्रिपुष्कर योग में जो भी कार्य करते हैं उसका 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए आज के दिन कोई भी बुरा कार्य करने से बचें। वहीं आज के दिन यदि शुभ कार्य करते हैं तो उसका भी 3 गुना फल प्राप्त होगा। इसलिए आज के दिन आप धन का विशेष करके निवेश करके लाभ कमा सकते हैं और बहुत सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं धन निवेश करके। कैसे? स्वर्ण, चांदी इत्यादि धातुओं में धन का निवेश करना आज के दिन बहुत ही शुभ होगा। आज धन त्रयोदशी पर त्रिग्रही योग, त्रिपुष्कर योग जिसको हमने बताया है, उस पर 3 ग्रहों की युति है। कैसे? धन त्रयोदशी के दिन एक अन्य शुभ संयोग 3 ग्रहों ने मिलकर के बनाया है। आज कौन से ग्रह हैं? वो सूर्य, मंगल और बुध ग्रह। धन त्रयोदशी के दिन तुला राशि में आज ये गोचर करेंगे सूर्य, मंगल और बुध। बुध और मंगल मिलकर के एक धनयोग का निर्माण करते हैं। वहीं सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण होता है और इस योग को राजयोग की श्रेणी में रखा गया है। वहीं ये योग तुला राशि में बन रहा है जो व्यापार की कारक राशि है। मंगल बुध की युति को व्यापार के लिए बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए कारोबारी आज के दिन निवेश करके या नई योजनाओं को चालू करके आने वाले समय में आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। ये त्रिपुष्कर योग, सूर्य बुध का बुधादित्य योग, बुध मंगल का योग जो बन रहा है तुला राशि पर, इसका कारण है। और इतना ही नहीं, आज के दिन भौम प्रदोष है। आज धन त्रयोदशी पर भौम प्रदोष है। धनतेरस के दिन भौम प्रदोष व्रत भी है और इस दिन भगवान शिव
और हनुमान जी की भी आराधना करनी चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। भौम प्रदोष व्रत के साथ धनतेरस के दिन 11:31 के बाद चतुर्दशी तिथि, त्रयोदशी तिथि, माना जाता है कि चतुर्दशी तिथि और त्रयोदशी को प्रदोष और चतुर्दशी तिथि को ही हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे हनुमान जयंती भी कहते हैं। धनतेरस पर इसे भी एक शुभ संयोग माना जा रहा है। हालांकि हनुमान जयंती 3 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि 3 तारीख को 9 बजे के बाद से चतुर्थी तिथि लग रही है। हालांकि सूर्योदय काल में चतुर्दशी तिथि नहीं होने के कारण इस बार चतुर्दशी तिथि का 6 हो गया है। धनतेरस पर बुध की संक्रांति है। धन त्रयोदशी के दिन बुध ग्रह का गोचर तुला राशि में होने वाला है, इसलिए आज के इस दिन को बुध संक्रांति के रूप में भी माना जा रहा है। बुध को ज्योतिष विज्ञान में व्यापार और बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं तुला राशि व्यापार और कारोबार से संबंधित राशि है, इसलिए आज धनतेरस के दिन बुध के गोचर को कारोबारियों के लिए बहुत ही शुभ है। तो कारोबारी आज के दिन जो भी निवेश करेंगे उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, धन त्रयोदशी पर शुभ संयोगों में अगर कोई निवेश करे या नई योजनाएं बनाए तो फायदा मिलेगा। इसके साथ ही आज के दिन दान पुण्य करने से भी सकारात्मक फल मिलेंगे, लेकिन गलती से भी आर्थिक मामलों में कोई गलत निर्णय ना लेने तो नुकसान भी हो सकता है। बात आपके लिए कर लेते हैं, अपने दर्शकों के लिए कुछ विशेष बात बता देते हैं कि आज के दिन अगर आप अपने राशियों के हिसाब से खरीदारी करते हैं तो आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। तो जरूर कागज और कलम ले लें और अपनी राशि के अनुसार आपको क्या खरीदना है आज के दिन ये नोट भी कर सकते हैं। बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातक आज के दिन चांदी की कटोरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान व स्वर्ण और आभूषण खरीदेंगे तो बहुत शुभ होगा। और वृषभ राशि के जातक कपड़े और कलश, मिट्टी का कलश भी खरीद सकते हैं, धातु का कलश भी खरीद सकते हैं, तो कपड़े और कलश जरूर खरीदें। मिथुन राशि के जातक सोने के आभूषण खरीद सकते हैं और स्टील के बर्तन भी। कर्क राशि के जातक चांदी के आभूषण खरीदें या चांदी के बर्तन खरीदें या कोई घरेलू सामान ले लें। सिंह राशि के जातक आज धन त्रयोदशी पर तांबे के बर्तन या तांबे का कोई लोटा कलश या लाल रंग के कपड़े भी खरीद सकते हैं। कन्या राशि के जातक सोने या चांदी के आभूषण या कलश खरीद सकते हैं। और तुला राशि के जातक कपड़े, सौंदर्य सामान या सजावट का सामान खरीदें। वृश्चिक राशि के जातक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदें और सोने के कुछ आभूषण खरीद सकते हैं, तथा धनु राशि के जातक सोने के आभूषण, तांबी के बर्तन और मिट्टी का एक कलश जरूर ले धनु राशि के जातक आज इस धन त्रयोदशी। मकर राशि के जातक वस्त्र, वाहन और चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। और कुंभ राशि के जातक सौंदर्य का सामान जरूर खरीदें, स्वर्ण, तांबा इत्यादि के बर्तन भी खरीद सकते हैं। मीन राशि के जातक सोने के आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदें। तो अगर आप अपनी राशियों के अनुसार आज जो बातें हमने बताई हैं, जो भी सामग्री हमने बताई है, अगर आप खरीदते हैं तो आपके घर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होगी। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, अगर आप बर्तन खरीद रहे हैं, कलश खरीद रहे हैं या किसी भी धातु का कोई बर्तन ले रहे हैं, तो ये बर्तन जब भी आप घर ले जाएं तो खाली बर्तन ना ले जाएं। विशेष बात है कि यदि बाजार से बर्तन खरीद कर लाएं तो उसे खाली घर नहीं लाना चाहिए। उस पर क्या रखना होगा आपको, उसमें आप थोड़ी सी मेवा रख सकते हैं या थोड़ी सी मिठाई खरीद करके रख लें। अगर ये नहीं खरीद सकते तो खील, बताशे, लइए, गट्टे, ये सब डालकर अपने घर लाएं, बर्तन को खाली घर पर आज के दिन ना लाएं। और आज के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने का विधान है। क्यों? क्योंकि आज के दिन भगवान धन्वंतरी की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष तौर पर आयुर्वेद के विद्वान वैद्य समाज की ओर से भगवान धन्वंतरी की मूर्ति की उपासना पूजन किया जाता है, उनका श्रद्धापूर्वक पूजन किया जाता है और आरोग्यता के लाभ के लिए मंगल कामना की जाती है प्रभु से, धन्वंतरी से, कि हमारे संसार में, हमारे देश में हमारे सभी लोग निरोगी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस मंगल कामना से। और आज के दिन यमराज के लिए भी दीपदान किया जाता है। संध्या काल में
यमराज की प्रसन्नता के लिए यम दीप जरूर जलाएं। यमराज के लिए दिया जलाना बेहद जरूरी है आज के दिन, तो आप सभी से निवेदन है कि यमराज के लिए दीपक जलाएं। और अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो आज भौम प्रदोष है, धनवंतरी जयंती है, धनतेरस है जिसे धनत्रयोदशी कहते हैं, तो ऋणहर्ता स्तोत्र का पाठ जरूर कर लें। एक वर्ष के अंतराल में आपका सारा कर्ज उतर जाएगा, उतरना प्रारंभ हो जाएगा क्रमबद्ध तरीके से। तो आज भौम प्रदोष का ये भी लाभ ले सकते हैं, धनत्रयोदशी का लाभ ले सकते हैं। तो अपनी राशियों के अनुसार से जो धातुएं हमने बताई हैं वो जरूर से जरूर खरीदें, जिससे आपके जीवन में प्रसन्नता आए, खुशियाँ आए, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा मिले और निरोगता प्राप्त हो, भगवान धन्वंतरी का भी आशीर्वाद मिले। तो आज के दिन यमराज का दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें और भगवान धन्वंतरी की पूजा करना भी बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बहुत सारी जानकारियों के लिए, देश और दुनिया की तमाम सारी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी न्यूज़, और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।